सब्सक्राइब करें पुरानी गाड़ी .com चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मारुति स्विफ्ट डिजायर VXI कार के बारे में, जो कि जितेंद्र कुमार जी ने, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जिन्होंने मुझे आज ही अपनी गाड़ी को व्हाट्सएप किया है उत्तर प्रदेश हरदोई से। और दोस्तों वो अपनी इस मारुति स्विफ्ट डिजायर कार को आज ही बेचना चाहते हैं अर्जेंट बेसिस। साथ साथ मैं आपको बता दूं, गाड़ी जो अभी तक चली हुई है मात्र 5000 किलोमीटर। दोस्तों आप बिलीव नहीं कर सकते, अभी जो फ्री सर्विस है वो भी गाड़ी की बच रही है और स्टेपनी गाड़ी की अभी तक अनयूज्ड है। तो फ्रेंड्स कंडीशन गाड़ी की लाजवाब होने वाली है और प्राइस भी काफी गाड़ी का खास होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों जो गाड़ी का मॉडल नंबर है 2019 और जो गाड़ी चली हुई है मात्र 5000 किलोमीटर विद सर्विस रिकॉर्ड के साथ। और दोस्तों ये फर्स्ट ओनर कार है और जब कोई फर्स्ट ओनर कार होती है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि गाड़ी आपको एक अच्छे मेंटेनेंस और एक अच्छी कंडीशन में देखने को मिल जाती है। साथ साथ जो गाड़ी का फ्यूल टाइप है वो है पेट्रोल और जो गाड़ी का ट्रांसमिशन है वो मैनुअल है। साथ साथ ये यूपी नंबर रजिस्ट्रेशन कार है और दोस्तों जो इस वक्त गाड़ी खड़ी हुई है उत्तर प्रदेश हरदोई के अंदर खड़ी हुई है। साथ साथ जो गाड़ी का कलर है व्हाइट कलर की आपको ये मारुति स्विफ्ट डिजायर कार देखने को मिल जाती है। साथ साथ जो गाड़ी का इंश्योरेंस वैलिड है वो 2022 तक वैलिड है। साथ साथ गाड़ी के ऑल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। कार लोन फैसिलिटी गाड़ी पे अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, फिर चाहे आप किसी भी जिले या किसी भी स्टेट से क्यों ना हो आप इस कार को आसान किस्तों पे खरीद सकते हैं। वैसे ओनर का तो कहना है, देखिए उनको तो अर्जेंट में बेचनी है, फिर चाहे आप लोन पे परचेज करें या फिर आप कैश में परचेज करें। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं LIC अभी काफी कम इंटरेस्ट रेट पे सेकेंड हैंड कार लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग LIC में कॉल कर सकते हैं और काफी कम इंटरेस्ट रेट पे सेकेंड हैंड कार लोन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं गाड़ी के कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप गाड़ी की कंडीशन देख ही रहे होंगे, गाड़ी पे आपको किसी भी टाइप का कोई भी डेंट पेंट या किसी भी टाइप का कोई भी स्क्रेचेस देखने को मिलेगा नहीं। और साथ साथ गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो आपको गाड़ी के अंदर गुड कंडीशन में मिल जाती है, नीचे की साइड आपको मिल जाते हैं फॉग लाइट के ऑप्शन और मिडिल में मिल जाता है आपको मारुति सुजुकी का लोगो। साथ साथ दोस्तों अगर गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो साइड मिरर गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में, साथ साथ चलो टाइट्स आपको गाड़ी के अंदर न्यू कंडीशन में मिल जाते हैं क्योंकि गाड़ी चली भाई मात्र 5000 किलोमीटर है। और जैसे कि मैंने बताया जो गाड़ी है वो एक सरकारी कर्मचारी की है, तो भाई जब भी वो छुट्टी पे आते हैं तभी वही गाड़ी को चलाने वाले हैं, तो वही उतने ही गाड़ी को चलाते हैं, बाकी खड़ी कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको खरीदनी है एक न्यू कंडीशन की मारुति स्विफ्ट डिजायर कार तो आपको इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो फ्रेंड्स अगर गाड़ी के बैक प्रोफाइल के बारे में बात करें तो टेललाइट्स गाड़ी के अंदर आपको गुड कंडीशन में देखने को मिल जाती हैं, साथ साथ आपको बूट स्पेस स्विफ्ट डिजायर के अंदर काफी अच्छा मिल जाता है, काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। साथ साथ दोस्तों अगर गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात की जाए तो डैशबोर्ड गाड़ी में परफेक्ट कंडीशन में, एसी गाड़ी रनिंग कंडीशन में विद म्यूजिक सिस्टम के साथ। दोस्तों गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाती है, चलो विंडोज है, साथ साथ चलो विंडोज में आपको स्पीकर्स इंक्लूडेड मिल जाते हैं, चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, USB स्लॉट मिल जाता है। और दोस्तों नीचे फर्श पे आपको मैट बिछी हुई मिल जाती है, चार्जिंग स्लॉट मिल जाता है, सीट कवर गाड़ी के अंदर न्यू कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं क्योंकि भाई न्यू कंडीशन में देखो होगी, सिंपल सी बात है कि जब गाड़ी ज्यादा चली नहीं है, नॉन एक्सीडेंटल है, कोई भी गाड़ी पे किसी भी टाइप का स्क्रेचेस वगैरह है नहीं, तो ओवरऑल कंडीशन बहुत लाजवाब है, अमेजिंग है। अगर हम बैक सीट कवर्स के बारे में बात करें तो वो भी लाजवाब कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स मेरा तो बस यही कहना है, अगर आप न्यू मारुति स्विफ्ट डिजायर खरीदने जा रहे हैं तो ना खरीदें, इस गाड़ी को आज के आज खरीदें, क्योंकि भाई आप डायरेक्ट ओनर से गाड़ी परचेज करेंगे तो बेनिफिट आपको ही होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा ओनर का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ओनर का नंबर ले सकते हैं, उनको कॉल करके एक अच्छी कीमत में इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। प्राइस को मैं बता देता हूं, अगर आप लोग इस गाड़ी को लोन पे खरीदने का प्लान करेंगे तो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी मात्र 70,000 रुपए, बाकी के आप छोटी छोटी EMI पे आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं। साथ साथ अगर आप लोग इस गाड़ी को कैश में लेने का प्लान कर रहे हैं तो जो मेरे पास ओनर की डिमांड आई है वो आई है 7 लाख रुपए की, और दोस्तों वो भी निगोशिएबल प्राइस है, यानी कि आप लोग ओनर से कॉल करके पैसे कम करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स
और फ्रेंड्स ओनर पहले ही बोल चुके हैं कि भाई भाई मैं पैसे कम कर लूंगा, तो आपका काम है सिंपल सिंपल सा कि भाई ओनर को कॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रखा है, प्राइस को कम करा लीजिए, आपके प्राइस में बात बन जाती है, ओनर से जाके मिलिए, तुरंत के तुरंत गाड़ी परचेज करिए। तो फ्रेंड्स देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर गाड़ियां सेल आउट हो जाती हैं, तो जो सबसे पहले कॉल करेगा वही सबसे जल्दी गाड़ी को परचेज करेगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से कॉल करिए, और अगर आप लोग भी अपने ही जिले के अंदर कोई सेकंड हैंड कार सर्च कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल puranigaadi.com को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पे मिलती है सिर्फ आपको ऑनर की कार, ना ही यहां पे कोई मीडिएटर है और ना ही यहां पे कोई डीलर है, आप डायरेक्ट ऑनर से कॉल करते हैं, डायरेक्ट ऑनर से ही कार परचेज भी करते हैं। तो फ्रेंड्स बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले पेमेंट किसी को ना करें, चाहे वो ओनर हो, चाहे फिर आप किसी डीलर से कार परचेज क्यों ना कर रहे हो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे कार क्यों ना सर्च कर रहे हो। फ्रेंड्स पहले पेमेंट कभी किसी को नहीं करनी है, सबसे पहले जाके ओनर से कार के मालिक से मिलिए, उसके बाद गाड़ी को चला के देखिए, इंजन चेकआउट करिए, सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही उनको उनके हाथ में पेमेंट करिए, फिर उनके अकाउंट में पेमेंट करिए। लेकिन उससे पहले बिना गाड़ी देखे कभी भी किसी को पेमेंट नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे बचिए, उनसे सावधान रहिए। साथ साथ फ्रेंड्स अगर आप लोग अपनी कोई सेकंड हैंड कार बेचना चाहते हैं, वो भी 24 आवर्स के अंदर, मात्र 24 घंटे के अंदर, तो दोस्तों आप मुझे मेरे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपने कार के फोटो, वीडियो, साथ साथ गाड़ी की इमेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं, और आप अपनी मनचाही कीमत में अपनी कार को बेच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई सेकंड हैंड कार है, आप उसे बेचने का प्लान कर रहे हैं, तो जल्दी से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। तो दोस्तों puranigaadi.com पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन चुका है यूज्ड कार के मामले में, क्योंकि यहां पे आपको मिलती है सीधे ओनर के नंबर, मतलब कि आप डायरेक्ट कार मालिक से फोन करते हैं, उन्हीं से बार्गेनिंग करते हैं और उन्हीं से कार परचेज करते हैं, मतलब ना ही यहां पे कोई मीडिएटर है, ना ही यहां पे कोई डीलर है। और आप लोग कम से कम 60,000 से लेकर कम से कम अपने 1,00,000 रुपए तक बचाते भी हैं। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।